सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आपको कुंभ मेले से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य बताएंगे, कुछ डेटा बताएंगे, जो अपने आप में एक अद्भुत डेटा या कहिए कि नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस कुंभ मेले में 15 करोड़ लोग स्नान करेंगे और स्नान का क्षेत्र 5.5 किलोमीटर है और घाटों की संख्या 35 है, ताकि किसी भी लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के 6 लाख लोगों को निमंत्रण भेजा है यहाँ पर आने के लिए। तकरीबन 4300 करोड़ या 4300 करोड़ रुपए का बजट है इस कुंभ मेले के लिए। 71 देशों के राजदूत आए हुए हैं इस कुंभ मेले के दर्शन के लिए। 181 देशों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कुंभ की अमृत बेला अब करीब आ चुकी है, बस एक दिन और। 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन पहला स्नान होगा, जिसे शाही स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस शाही स्नान का बहुत ही महत्व है, आइए हम जानते हैं इस स्नान की विशेषताएं। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच में हुई थी। तब देश पर मुगल शासकों के आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। धर्म और परंपराओं को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधुओं और खासकर नागा साधुओं की मदद ली थी। नागा साधु धीरे धीरे आक्रामक होने लगे और धर्म को राज से ऊपर देखने लगे। ऐसे में शासकों ने नागा साधुओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर राष्ट्र और धर्म के झंडे और साधुओं और शासकों से काम का बंटवारा किया। साधु खुद को खास महसूस कर सके, इसके लिए कुंभ स्नान का सबसे पहले लाभ उन्हें देने की व्यवस्था हुई। इसमें साधुओं का वैभव राजाओं से जैसा होता था, जिसकी वजह से इसे शाही स्नान कहा गया। इसके बाद से ही शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। वक्त के साथ शाही स्नान को लेकर विभिन्न अखाड़ों में संघर्ष होने लगा। साधु इसे अपने सम्मान से जोड़ने लगे। उल्लेख मिलता है कि 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रमानंद वैष्णव अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से हथियार निकल गए और पूरी नदी ने खूनी रंग ले लिया। साल 1760 में शैव और वैष्णवों के बीच स्नान को लेकर ठन गई। ब्रिटिश इंडिया में स्नान के लिए विभिन्न अखाड़ों का एक क्रम तय हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। इसमें विभिन्न अखाड़ों से ताल्लुक रखने वाले साधु संत सोने चांदी की पालकियों हाथी घोड़ों पर बैठकर स्नान के लिए पहुंचते हैं। सब अपनी अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं। इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है, जिसमें साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय वक्त पर डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिल जाता है। यही वजह है कि ये कुंभ मेले का अहम हिस्सा है और सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को नदी में डुबकी लगाने की इजाज़त होती है। यह स्नान तय दिन पर हर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। इस वक्त से पहले अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा घाट पर हो जाता है। वे अपने हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र लिए होते हैं, शरीर पर बभूत होती है और वे लगातार नारे लगाते रहते हैं। मुहूर्त में साधु न्यूनतम कपड़ों में या फिर निर्वस्त्र ही डुबकी लगाते हैं। इसके बाद ही आम जनता को स्नान की इजाज़त मिलती है। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको शायद कहीं और सुनने को न मिले, लेकिन हम आपको इसी तरह की और भी कई दिलचस्प बातें, अद्भुत खबरें और तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे फिर मुखालिफ होंगे इंडिया पुराण चैनल पर। और हाँ, जाने से पहले हम आपको जरूर याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह बात औरों तक भी पहुँचे। नमस्ते।